गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगला चैप्टर है अपना डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की और फिर पढ़ेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व होते हैं? तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरा जाएगा? डी ऑर्बिटल में। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा जाता है वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की यदि बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, यानी आवर्त सारणी में अपन ने एक टेढ़ी मेढ़ी तिरछी रेखा जिसपे क्या है, सब मेटल है, उपधातु है, उसके सारे इधर क्या है, धातु है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के उधर क्या है, अधातु है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा के सारे डी ब्लॉक तत्व जो हैं वो इधर आ जाते हैं, यानी सारे के सारे तत्व क्या हैं, धातु हैं, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी पाई जाती है सबकी, सब डी ब्लॉक जो एलिमेंट है। और आवर्त सारणी में यानी इनके पोजीशन की बात करूं तो ये एस ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक यहाँ आ जाता है। एस ब्लॉक के दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, क्षार धातु और क्षारीय मर्दा धातु। फिर बीच में यानी वर्ग संख्या 3 से 12 तक जो हैं वो क्या हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, और 13 से 18 तक जो हैं वो क्या हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो यानी आवर्त सारणी में इनका स्थान जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में होता है, और बीच में होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि आवर्त सारणी में इनका स्थान एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील तत्वों के बीच में किसका काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं, अवरोध का कार्य करते हैं। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब मैं बात करती हूँ संक्रमण तत्व कौन से तत्व होते हैं, यानी क्या डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं या नहीं होते हैं? तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु या आयन, यानी परमाणु या आयन, आयन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, धात्विक प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, डी ब्लॉक के तत्व है त्याग करेंगे। तो या तो परमाणु उदासीन परमाणु के रूप में या आयन के रूप में उनका डी कक्षक क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण का मतलब पूर्ण पूरित नहीं होना चाहिए, 1 से 9 तक डी में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो चाहे वो उदासीन परमाणु के रूप में है, चाहे वो अपनी ऑक्सीडेशन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आयन के रूप में है, यदि उस अवस्था में उसके डी कक्षक में 1 से 9 के बीच कोई जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं तो वे तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और यदि उदासीन परमाणु या आयन के रूप में यदि उनका डी कक्षक पूर्ण पूरित है, उनका डी कक्षक पूर्ण पूरित है तो वे संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन डी ब्लॉक में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के तत्व हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, क्या रीजन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिफाइन करेंगे संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें डी कक्षक यानी परमाणु या आयन के रूप में उनका डी कक्षक क्या होता है, अपूर्ण होता है, या 1 से 9 के बीच इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं, या वे तत्व जिनकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था, निम्नतम ऊर्जा अवस्था कौन सी होती है, यानी उदासीन परमाणु के रूप में जब वो होता है तो वो होती है उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था, या उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब वो किसका फॉर्मेशन करेगा, आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस अवस्था में उनका डी कक्षक जो है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, वे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन बात करूं जिंक की, चाहे कैडमियम की, चाहे मरकरी की, परमाणु क्रमांक कितना,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जस्ट पहले कौन सी नट गैस आती है? आर्गन 3D10 4S2। 18, 10, 28, 29, 30 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तो है ये निम्नतम ऊर्जा अवस्था में, यानी कोई इलेक्ट्रॉन का ऑक्साइडेशन कुछ नहीं है, या मैं कहूँ किस रूप में है ये? परमाणु के रूप में। और यदि जिंक का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, यानी अधिकतम ऑक्सीकरण अंक इसका सामान्य ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? प्लस का 2 ही होता है, जो कि स्थायी होता है और इसी रूप में इसके यौगिक निर्मित किए जाते हैं। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखूं तो क्या लिखूंगी? आर्गन 3D10 4S0। अब देखिए उदासीन रूप में है और आयन के रूप में, यानी परमाणु के रूप में और आयन के रूप में है। इस स्थिति में क्या है? डी पूर्ण पूरित है। और इस स्थिति में भी क्या है? डी पूर्ण पूरित है। ये इनमें होगा, कैडमियम में क्या आ जाएगा? 4D10 आ जाएगा, 5S2 आ जाएगा। ये मरकरी में होगा, ये 6D सीरीज का है तो 6D10 आ जाएगा, सॉरी 3D 4D और 5D 5D10 आ जाएगा, 6S2 आ जाएगा। तो वही +1 ऑक्सीकरण अवस्था, चाहे मरकरी की चाहे +2 है। तो यानी डी जो है वो क्या होगा? हमेशा पूर्ण पूरित होगा। तो डी पूर्ण पूरित होने के कारण, चाहे वो आयन के रूप में है, चाहे वो उदासीन परमाणु के रूप में है, या मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो यानी निम्नतम ऊर्जा स्तर पर है या सामान्य उसका ऑक्सीकरण अंक में यदि वो उपस्थित है, तो इस स्थिति में उनका डी कक्षक जो है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण पूरित होना चाहिए। यदि वो पूर्ण पूरित है तो वो क्या नहीं कहलाते? संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे, फिर अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था और सामान्य ऑक्सीकरण अंक के दौरान इनका डी कक्षक क्या है? पूर्ण पूरित है। और जिनका डी कक्षक पूर्ण पूरित होता है परमाणु या आयन के रूप में, तो वे संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो इस कारण जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका डी कक्षक पूर्ण पूरित है, अपूर्ण नहीं है। यदि अपूर्ण होता तो क्या होते? ये संक्रमण तत्व होते। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, यानी सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक तत्व होते हैं। कई बार स्टेटमेंट में कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, क्या ये कथन सत्य है? यानी कथन फर्स्ट, सेकंड सत्य है, दूसरा असत्य है, इस तरह से 3-4 कथन दे दिए जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या? डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं वो किस ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। लेकिन सारे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सारे के सारे संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, जैसे एक्सेप्शनल केस है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ध्यान रखना आपको संक्रमण तत्व होते क्या हैं, जिनमें डी कक्षक यानी पूर्ण पूरी यदि भरा हुआ है तो वो संक्रमण तत्व नहीं है। एग्जाम्पल देकर के अपन इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए डी ब्लॉक तत्व जो हैं उनकी 4 श्रेणियां हैं। डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां यानी कैसे इनको ऐसे डिवाइडेड किया गया है सीरीज में? तो यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाता है उसको नाम दे दिया 3D सीरीज, जिनमें 4D में भरा जाता है 4D सीरीज, जिनमें 5D में भरा जाता है उसको 5D सीरीज, और 6 में भरा जाता है उसको क्या नाम दे दिया गया? 6D सीरीज नाम दे दिया गया। ये दे दिए गए इन श्रेणियों के नाम। अब मैं बात करती हूँ 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक। देखिए 3D सीरीज जो है, 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक परमाणु क्रमांक। 4D सीरीज की यदि बात करूँ, 4D सीरीज स्टार्ट होती है ट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक। 5D सीरीज की यदि बात करूँ तो लेंथेनम 57, फिर हैफनियम आता है, हैफनियम 72। स्टार मैंने इसलिए लगाया है, इनके बीच में जो है
वो 14 तत्व जो हैं वो लेंथेनाइड के आते हैं, फिर आते हैं एक्टिनाइड के, ए ब्लॉक के तत्व जो हैं, हैपनियम से मरकरी 80 तक। और 6D जो सीरीज है वो अभी इनकम्प्लीट है, यानी अपूर्ण है, वो एक्टिनम 89 से स्टार्ट होती है, उसके बाद में 104 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है उसके बाद इनकम्प्लीट है अभी, ये पूर्ण पूरी है। इसके बाद 14 तत्व आते हैं, 14 तत्व जो आते हैं वो एक्टिनाइड के आते हैं, जो अपन एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे कौन कौन से आते हैं, किसका क्या नाम है, किसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या प्रॉपर्टी है, तो वो अपन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक में। तो ये हो गई कि डी ब्लॉक तत्वों की कितनी श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां, 3D, 4D, 5D और 6D। किस श्रेणी में कहाँ से लेकर के कौन से परमाणु क्रमांक से लेकर के किस परमाणु क्रमांक तक के तत्व आते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब मैं बात करती हूँ, यानी संक्रमण तत्वों को यदि आवर्त सारणी, यानी कौन कौन से आवर्त में हैं और कौन कौन से तत्व आते हैं, 3D में कौन से आते हैं, 4D में कौन से आते हैं और 5D में कौन से तत्व आते हैं, यानी डी ब्लॉक के तत्व आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है पूछ लिया जाए कि 4D सीरीज के 2 तत्वों के प्रतीक बताइए, उनका नाम बताइए, या 5D सीरीज का पूछ ले, कहीं से कोई भी कुछ क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो बात करती हूँ कि मैं 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बात करती हूँ मैं 4D सीरीज की, 4D सीरीज स्टार्ट होती है इट्रियम से, इट्रियम, जिर्कोनियम, नायबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटिनम और कैडमियम। बात करती हूँ 5D सीरीज की, तो 5D सीरीज में लेंथेनम आ जाएगा, फिर हैफनियम, फिर टेंटेलम, फिर टंगस्टन, फिर रेनियम, फिर ओस्मियम, फिर इरिडियम, फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड और फिर मर्करी। 6D सीरीज में आता है एक्टिनियम 89, फिर इनकम्प्लीट है। अब मैं बात करती हूँ, यानी ये तो हो गए 3D, 4D और 5D डी ब्लॉक के तत्व हो गए। अब डी ब्लॉक के तत्व में यानी कौन से आवर्त में आते हैं, तो आवर्त जैसे अपन ने देखा था इधर जो होते हैं 7 आवर्त होते हैं, 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है, और इधर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, ग्रुप नंबर होते हैं। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, उसमें तो क्या आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन है, हीलियम इधर आ जाएगा पहले आवर्त में, फिर लिथियम है, सोडियम है, ये हो जाएंगे। तो यानी इसमें ये कौन से आवर्त में आता है, दूसरे में, ये तीसरे आवर्त में आता है, ये कौन से आवर्त में आता है, चौथे आवर्त में आता है, पोटेशियम के बाद में क्या आता है, कैल्शियम। तो यानी कैल्शियम के बाद में क्या आता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और 21 पे क्या आता है, स्कैंडियम आता है। तो यानी ये कौन से आवर्त में है, जिस आवर्त में ये है उसी में ये होंगे, और जिस आवर्त में ये सीजियम वाले में होंगे, ये फ्रेंसियम वाले में होंगे। तो यानी ये कौन से आवर्त में आती है 3D सीरीज, ये चौथे आवर्त में आती है। एंड डी ब्लॉक तत्वों की 3D सीरीज आवर्त सारणी की कौन से आवर्त में आती है, तो इस तरह से निकालेंगे यदि आपके पीरियोडिक टेबल ध्यान में है। एस ब्लॉक एलिमेंट याद है, फिर फर्स्ट ए सेकेंड ए के यदि याद है तो आप आसानी से, रटने की कोई चीज नहीं है इसमें, यानी ये वाले लिख लेंगे, फिर आवर्त देख लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है, फिर स्कैंडियम आता है, तो कौन से आवर्त से स्टार्ट होती है, फोर्थ आवर्त से स्टार्ट होती है, ये फिफ्थ आवर्त से, और ये सिक्स से, और ये सेवन, तो ये तो हो गए आवर्त नंबर। अब मैं बात करती हूँ ग्रुप नंबर की। ग्रुप नंबर अपन ने 11th में भी पढ़ा था कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ये तो अपन ने पढ़ लिए थे, एस ब्लॉक में क्षार धातु, क्षारीय मर्दा धातु, और इससे जस्ट पहले वाला अपन ने चैप्टर 7 जो पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, यानी 13 नंबर जो ग्रुप है उसको थर्ड ए, इसको फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, फिर जीरो ग्रुप। डी ब्लॉक के तत्व जो हैं ये कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, यानी फर्स्ट बी, सेकंड बी,
थर्ड बी से स्टार्ट होते हैं, वो थर्ड बी से कहाँ तक होते हैं, सेकंड बी तक होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों की जो ग्रुप नंबर है वो है थर्ड बी से सेकंड बी तक। और मैंने आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में सबसे अधिक तत्व होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में सबसे अधिक तत्व होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, और आवर्त में भी बता देना कि कौन से आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं और कौन से वर्ग में होते हैं। तो थर्ड बी, उसके बाद में क्या हो जाएगा, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ये किस में आएगा, सिक्स्थ बी, ये किस में आएगा, सेवन्थ बी, और एट्थ के ये तीन हो जाएंगे। तो ये है इनके ग्रुप नंबर, यानी डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो थर्ड बी से लेकर के कहाँ तक होते हैं, सेकंड बी तक। और कौन से ग्रुप में सबसे अधिक तत्व होते हैं वो आपको बताना है। तो ये हो गया इनका ग्रुप नंबर और आवर्त नंबर, कौन से ग्रुप में आते हैं और कौन से आवर्त में आते हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करती हूँ 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि बात करूँ तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो किस में भरा जाता है, यानी पहले इनर्ट गैस आ जाएंगे, फिर N-1, D1 से 10, 4s 1 से 2, ये होता है इनका सामान्य अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी N-1 मतलब आवर्त नंबर जो है उसमें से एक घटा देंगे, डी में एक से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं, और 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। परमाणु क्रमांक ध्यान में है, यानी 21, 22, 23, 24, ये तो क्या है, एक ही आवर्त के हैं, 36 हैं। वैसे नहीं निकालना पी ब्लॉक की तरह 8 जोड़ दिए, 18 जोड़ दिए। 24, 25, 26, 27, 28, ये हैं इनके परमाणु क्रमांक ध्यान में है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, जस्ट पहले नट गैस, बड़े वाले ब्रैकेट में आर्गन, 3D 4s, 18, 19, 20, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे N+L नियम के अनुसार। अब देखिए इसमें कितना आ जाएगा, 18, 19, 20 और 21, इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 3D2 4s2, इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 3D3 4s2, इसका क्या हो जाएगा, आर्गन। अब देखिए क्रोमियम और कॉपर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो दो के डिफरेंट होते हैं, ये भी मैंने करवाया था आपको 11th क्लास में। आर्गन 3D5 4s1, बाकी औरों का वैसा ही होगा, इसका 3D5 4s2, आर्गन 3D6 4s2, आर्गन 3D7 4s2, इसका आर्गन 3D8 4s2, इसका देखिए आर्गन 3D10 4s1, इसका देखिए आर्गन 3D10 4s2। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके अपन को क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि सभी में 4s जो है वो क्या है, पूर्ण पूरित है। ये देख 4s पूर्ण पूरित है, लेकिन कॉपर और जो क्रोमियम है, क्रोमियम और कॉपर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इनमें क्या है, 4s जो है वो अर्ध पूरित है, एक एक इलेक्ट्रॉन है,
यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या होना चाहिए था, 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन है क्या 3d5 4s1। और कॉपर का क्या है, 3d10 4s1, होना क्या चाहिए था 3d9 और 4s2। अब देखिए, यानी मैंने यहाँ पर आपको रीजन बताया था इसका कारण क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंट होता है। यानी इसका आर्गन का 3d4 4s2 होना चाहिए था, जबकि होता क्या है 3d5 4s2 सॉरी 1। और इसका क्या होता है, आर्गन 3d10 जबकि होना चाहिए था 3d9 और 4s2, जबकि होते क्या हैं, ये होते हैं। अब देखिए इसका रीजन क्या है, तो रीजन आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको इसका रीजन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन के रूप में पूरा समझाया हुआ है क्या कारण है कि कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंट होते हैं, इसका रीजन आपको बताना है। अब मैं बात करती हूँ डीप लोक के जो तत्व हैं उनके सामान्य लक्षण क्या हैं। डीप लोक तत्वों के सामान्य लक्षण, डीप लोक तत्वों के लक्षण, या मैं बात करूं संक्रमण तत्वों के करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है। सारे के सारे तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, धातु तत्व होते हैं। सभी तत्व धात्विक होते हैं। अब धातु की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इनमें पाई जाएंगी। यानी धातु क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। इसमें केवल मरकरी को छोड़ दो, पारा अपवाद है जो कि द्रव अवस्था में होता है डीप लोक में। बाकी किस अवस्था में पाई जाती हैं, सॉलिड रूप में पाई जाती हैं। बात करूं सॉलिड रूप में पाई जाती हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातु है तो इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये क्या होती हैं, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। इनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। अब मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं, अब वो तन्यता, आघात वर्धनीयता, वो सारे के सारे जो धात्विक प्रॉपर्टी है वो धात्विक लक्षण होने के कारण सारी की सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि इनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, डक्टाइलिटी, मेलेबिलिटी। अब देखिए एक से अधिक ऑक्सीकरण अंग प्रदर्शित करती हैं, एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। यानी मैंगनीज +7 तक ऑक्सीकरण अंग प्रदर्शित करता है, +5 भी प्रदर्शित करता है, जिंक +2, कॉपर जो है +1 भी प्रदर्शित करता है, +2 भी प्रदर्शित करता है। कम संयोजकता के लिए नाम एस होता है, अधिक के लिए इक होता है, Q+, Q+। आयरन भी फेरस फेरिक होता है, मरकरी भी मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक होता है। तो यानी ये वेरिएबल वेरेंसी शो करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अंग प्रदर्शित करते हैं। रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं डीप लोक के तत्व। उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण कैसे, जैसे वनस्पति तेल से अपन ने वनस्पति घी बनाया था, निकल है, प्लेटिनम, एक हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में भी अपन ने निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक जितने भी काम में लिए जाते हैं, जैसे संपर्क प्रक्रम में अपन ने काम में लिया था सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो वहां पर वेनेडियम जो है वो भी कौन सी सीरीज का है, 3D सीरीज का है। तो यानी उत्प्रेरक अधिकांशतः जितने भी यूज में लिए जाते हैं तो वो किसके लिए जाते हैं, संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक है वो यूज में लिए जाते हैं। एक ये अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करती हैं, यानी धातु धातु के साथ में जब बंध बनाता है तो इस स्थिति में छोटे छोटे स्पेस जो हैं, फिर उनमें छोटे आकार के हाइड्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन वो आकर के धंस जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण भी करती हैं।
अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो यानी चाहे एस ब्लॉक है चाहे पी ब्लॉक है, उनमें तो क्या देखी जाती है, उनके तत्वों में वर्ग में समानता देखी जाती है कि वर्ग में ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो वर्ग में समानता पाई जाती है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, क्षैतिज रूप से समानता पाई जाती है। यानी क्षैतिज रूप में कैसे, स्कैंडियम और टाइटेनियम के साथ समानता दर्शाया जाएगा, न कि वर्ग में ये समानता दर्शाते हैं। ये किस में समानता दर्शाते हैं, अपने आवर्त के जो तत्व हैं उनके साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। यानी मिश्र धातु जो बनी हुई होती हैं वो किस कौन से तत्वों की बनी होती हैं, डी ब्लॉक तत्वों की बनी होती हैं। जैसे अपने पीतल है, कांसा है तो पीतल, कॉपर और जिंक, स्टीलनेस स्टील है तो निकल है, टिन है तो ये सारे के सारे जो हैं, यानी निकल है तो वो किसकी है, डी ब्लॉक की है, कॉपर है, जिंक है, कॉपर है, टिन है तो कॉपर क्या है, कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। तो मिश्र धातुएं जो हैं वो किसकी बनी होती हैं, डी ब्लॉक तत्वों से मिश्र धातु का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये हो गई इनकी मैन मैन प्रॉपर्टी, और बाकी जो प्रॉपर्टी अपन डिटेल से पढ़ेंगे इनकी कलर प्रॉपर्टी की होती है। एक आवर्त में यानी आवर्त में समानता दर्शाते हैं तो बाएं से दाएं जाते हैं तो इनकी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आपको दो क्वेश्चन बताने हैं, एक तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं थर्ड बी से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट बी सेकंड बी यानी कॉपर जिंक और स्कैंडियम, थर्ड बी से सेकंड बी तक तो कौन से वर्ग में सबसे अधिक तत्व होते हैं। एक आपको क्वेश्चन ये बताना है कि कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना, जो मैंने बताया था 3d4, जैसे 3d4 4s2 होना चाहिए था, 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होते हैं, 3d10 4s1 3d5 और 4s1 ये होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताना है। तो इन दो क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।